उज्जैन शहर के प्रमुख चौराहे और प्रमुख बाजारों के अंदर आग, पुलिस कर्मी और नगर पालिका निगम के अधिकारी कर्मचारी दल टीम बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग बगैर मास्क के आना जाना कर रहे हैं, उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अब आने जाने के दौरान चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। जो ऐसा नहीं करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। प्रकरण दर्ज कर वही नगद जुर्माना राशि भी जमा कराई जा रही है। बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब उज्जैन जिले के निवास करने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हर कार्यक्रम में अनिवार्य है, साथ ही चेहरे पर मास्क लगाना भी अनिवार्य है। सर, किस प्रकार से आप कार्रवाई की जाएगी और किस प्रकार से क्या है? अभी जैसे निर्देश है कि कोरोना की महामारी में और फिर से केसेस आने लगे हैं, इसीलिए जिला प्रशासन ने फिर से स्पॉट फाइन के लिए ड्यूटी लगाई है। जिला प्रशासन के सभी पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा, तो इसमें जो भी बिना मास्क होंगे उनको फाइन भी किया जाएगा और उनको जेल, खुली जेल में भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य स्टेट से वाहन आते हैं तो किस प्रकार से उनको चेक किया जाएगा और किस प्रकार से क्या नहीं? ऐसा गुजरात से आ रहे यहाँ तो लोकल जो भी बिना मास्क दिखेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।